ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया, ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए, मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोरकोप किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है, ये मेरे अपने दिल की आवाज है, मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है, कोई मुझे जोर को करके अपना टॉर्चर करके अपनी मनमनी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला, जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से, ये हमारा पाकिस्तान है ख्वाजा आसफ, मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को प्रोड्यूसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ, मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी, किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना, ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज नहीं बटे मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है, जो जुल्म ये करार है आप देख रहे हैं, आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस के आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे जोर को करके दिए हैं, मेरी अपील है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले।